सभी श्याम प्रेम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, काफी ज्यादा संख्या में हमारे पास एक सवाल आया है कि शादी से पहले हम जिस कुल देवता को, कुल देवी को मानते थे, जो मंत्र हम जप करते थे, क्या शादी के बाद वही करें या आगे का शुरू करें? देखिए, विधान यही कहता है कि जब एक लड़की की शादी होती है, उस समय जब हम फेरे लेते हैं, तो जब लड़की का पिता कन्यादान कर देता है और ब्राह्मणों के मुख से जो वेद पाठी पंडित उस समय हमारे फेरे करवा रहे होते हैं, वो ये बोल देते हैं कि आज से लड़की का कुल, लड़की का गोत्र, लड़की के सभी देवी देवता यहीं रह जाएं और लड़की लड़के के कुल में और लड़के के गोत्र में चली जाए। और आगे से भी आपने देखा होगा कि लड़के का ही गोत्र और लड़के के ही कुल देवता कुल देवी माने जाते हैं। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है, अगर जैसे कोई भी लड़की बचपन से ही किसी देवी देवता की पूजा करती आई है, भक्ति करती आई है, या किसी से उसने गुरु मंत्र ले रखा है और वो शादी के बाद भी उन्हीं को रखना चाहे तो रख सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इस दौरान देखिए, ऐसा ना हो कि लड़की शादी के पश्चात दूसरे घर जाती है, वहां उस परिवार के लोग उस लड़की को वो सब चीजें छोड़ने के लिए कहें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो वो लड़की उसी गुरु मंत्र का जाप कर सकती है, उन्हीं को गुरु मानकर। अगर आपके कुल देवता कुल देवी आपको नहीं पता है तो अपने पूर्वजों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। फिर भी आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है उन चीजों से, तो आपके जो आराध्य हैं, आराध्य कौन होते हैं, जिन्हें हम दिल से पसंद करते हैं, किसी भी भगवान का आप नाम ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो आपके कुल देवता देवी हों या ना हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही बाबा की सेवा करते रहिए। अब आगे नंबर आता है कि जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है वो क्या करें? जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है, जिन्होंने फेरे नहीं लिए, जिन्होंने अग्नि को साक्षी नहीं माना, जिन्होंने दोनों परिवारों को पास बैठा कर फेरे नहीं लिए हैं, उनका कोई भी कुल, कोई भी गोत्र मान्य नहीं होगा। वो दोनों अलग अलग कुल के हैं, अलग अलग गोत्र हैं, उनमें से लड़की का गोत्र लड़के के गोत्र से नहीं मैच करेगा। अब यहां लड़की को लड़के का गोत्र मानने की आवश्यकता नहीं है, यह बिल्कुल ही नियायती गलत बात है। आप लव मैरिज करिए, ये गलत नहीं है, लेकिन दोनों परिवारों की सहमति से। जब तक लड़की का पिता कन्यादान नहीं करता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चाहे आप लव मैरिज करें या ना करें वो आपका काम है, लेकिन दोनों परिवार एक साथ उस जगह मौजूद होने चाहिए जहां अग्नि को साक्षी मानकर आप उस समय फेरे ले रहे हो, यह बहुत जरूरी है। अगर आपने फेरे नहीं लिए तो कोई देवी देवता आपके ऊपर अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएंगे, आप चाहे कुछ भी करते रहें आपका कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देवी देवताओं की अनुमति नहीं ली है उस समय पर, यह विशेष सावधानी रखें। उसके बाद उनसे जो संतान पैदा होगी उसका भी कोई भी कुल या कोई भी गोत्र नहीं माना जाएगा, यह विधि विधान है। आगे आप जो जैसा करते हो, हम किसी की पर्सनल भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जय श्री श्याम।